अफगानिस्तान में कई हिस्सों में लोगों ने तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी एकजुट हो रही हैं। जगह जगह तालिबान का विरोध हो रहा है। अफगानी सैनिकों ने बिना लड़े ही तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। जवानों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन कई इलाकों में अफगानी नागरिक ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बगलान प्रांत का खिंजल जिला भी लोगों ने तालिबान से आजाद करा लिया है। जिस तालिबान का पूरे अफगानिस्तान में इतना खौफ है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, वही तालिबान अंदराज जिले में घुटने पर आ गया है। कई तालिबानियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है। कई गुट तालिबान के कब्जे वाले इलाके को छीनने में जुटे हुए हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले कई पूर्व सैनिकों को आम नागरिकों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तालिबान सरकार के खिलाफ अमरुल्ला साले तालिबान को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हुए हैं। पंजशीर में पूर्व कमांडर के बेटे अहमद मसूद के साथ तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है। महिलाओं पर तालिबान कहर बनकर टूटा है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी तालिबान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी हैं। काबुल सहित कई शहरों में तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। गोलियां बरसाकर तालिबान बगावत को भले ही कुचलना चाह रहा हो, लेकिन तालिबान को उखाड़ फेंकने वाले लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। कई भारतीय भी अफगानिस्तान में तख्ता पलट के शिकार हुए हैं। काबुल में कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। वो भारत से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। काबुल में अफरा तफरी है। हर कोई अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहा है। किसी भी कीमत पर तालिबान राज में नहीं रहना चाहता। कई भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं। इन भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार का पूरा जोर उनकी सुरक्षित वापसी का है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई हिंदुस्तानी काबुल में फंसे हुए हैं। वे जल्द से जल्द अपने मुल्क भारत आना चाह रहे हैं। कई भारतीय काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भी फंसे हुए हैं। इनमें से एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले कश्मीरी प्रोफेसर आसिफ भी हैं। ये और इनके साथ करीब 300 लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. So they are not allowing us to enter the airport. Kabul airport पर देश छोड़ने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को काबू में करने के लिए लगातार फायरिंग भी हो रही है। ऐसे में कई भारतीयों की जान भी मुश्किल में फंसी हुई है। काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें चल रही हैं। भारतीय वायुसेना के श्री 130J विमान से भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के कई भारतीय भी शिकार हुए हैं। सैकड़ों हिंदुस्तानी काबुल में फंसे हुए हैं। भारत सरकार इनकी वतन वापसी की पूरी कोशिश करने में लगी है। अफगानिस्तान से भारत आने वालों को सुरक्षित देश वापस लाया जा रहा है। भारत की ओर से उन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के C-130J के प्लेन से 85 भारतीय वतन लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्यूल के लिए विमान ताजिकिस्तान में उतारा गया। ये विमान काबुल से दिल्ली पहुंचेगा। इससे पहले मंगलवार को 140 से ज्यादा लोग भारत वापस लौटे थे। इसमें पत्रकार, राजनयिक, एम्बेसी स्टाफ भी शामिल थे। विदेश मंत्रालय की ओर से अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि भारत सरकार की पूरी कोशिश अभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर है। तो कुछ दिन पहले भी भारत के नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया और यही प्राथमिकता रहती है कि एक एक नागरिक सुरक्षित वापस आए। तालिबान के कहर के बीच हर कोई अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। इस वक्त भारी संख्या में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी भटकने के लिए मजबूर हो गए। सल्तनते तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान में कई लोग एक भी पल अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। 20 साल पहले का तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला। दिल झकझोर देने वाली, डराने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिन्हें देखकर कोई भी दहल जाए। यही वजह है कि इन अफगानियों को अपना देश ही दुश्मन नजर आने लगा है। तालिबान उनके साथ क्या सलूक कर सकता है, ये सोचकर ही वो उससे हार जा रहे हैं। महिलाएं हो या बच्चे, पूरा का पूरा परिवार अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चले हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग करने से भी जरा भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। फिर भी भारी संख्या में लोग यहाँ डटे हुए हैं। ये तालिबान का खौफ ही है। वे अपनी जान हथेली पर रखकर भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से आई ये आज की तस्वीरें हैं। लोगों की भारी भीड़ है। जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ लोग ही लोग, युवा, महिलाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे।
काबुल एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिक हैं, लेकिन बाहर तालिबानियों का कंट्रोल बना हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंक मचा रहे हैं। जो भी एयरपोर्ट के सामने से हटने से इनकार करता है, तालिबानी उस पर हमला कर देते हैं। दावे चाहे जो भी हों, लेकिन तालिबान की हरकतों से लग नहीं रहा कि वो शांति कायम करने की राह पर है। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे क्रूर आतंकियों के हक्कानी नेटवर्क को दे दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान खूनी खेल खेल रहा है, अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौत की नींद सुला रहा है। पूरी दुनिया में आज सिर्फ तालिबान के काले कारनामे का ही जिक्र है। अब तालिबान ने जिस कारगुजारी को अंजाम दिया है, उसने पूरी दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क के हाथ आ गई है। इसके चलते दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी बढ़ गई है। हक्कानी नेटवर्क का ताल्लुक अलकायदा से है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हक्कानी नेटवर्क पर सीधे कंट्रोल करती है। अफगानिस्तान के नेशनल रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने खलील अल रहमान हक्कानी से मुलाकात की थी और काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंपी थी। हक्कानी नेटवर्क पूरी दुनिया समेत भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा मिलने से दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर आतंकी हमले करने में पहले भी शामिल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।